हाँ जी, कैसे हो आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है MOU, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें हम जनवरी से लेकर मई तक के भारत सरकार के द्वारा या फिर इंडिया के द्वारा किए गए अन्य देशों जैसे जो इम्पोर्टेंट फेमस हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिनके चांसेस एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा है, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में रिस्पॉन्स आप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा यदि आपको वीडियो। हाँ जी, तो पहला है हमारा यूके और इंडिया के बीच में साइन हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले समझते हैं कौन से सब्जेक्ट पे ये साइन हुआ है। तो जो भी कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है उसके पीछे एक सब्जेक्ट होता है, उसके एक सब्जेक्ट होता है, उसके एक टॉपिक होता है, ठीक है, उसका एक एजेंडा होता है कि इसके ऊपर ये साइन हुआ है और दोनों कंट्री मिलकर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगी और कॉरपोरेट करेंगी। तो सबसे पहली बात, हम इसका जो सब्जेक्ट है वो है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, पहला तो ये है, और दूसरा है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप क्या है। देखिए, आप जानते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, वो एक समस्या है, वो क्या है, इलीगल माइग्रेंट की, उससे जूझ रही है। तो ऐसे में जो रियल माइग्रेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्च स्टूडेंट साइंटिस्ट होते हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको भी फिर जो है उन कंट्री की तरफ से दिक्कत आती है वीजा इशू होने में। तो इसीलिए इस समस्या को कम करने के लिए या फिर इसको खत्म करने के लिए इंडिया और यूके के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप सब्जेक्ट के ऊपर। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो स्टूडेंट हैं यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिनका एडमिशन हुआ है वहाँ पे, या फिर किसी को रिसर्च करने यूके में जाना है, या किसी को यूके से रिसर्च करने इंडिया में आना है, या किसी स्किल्ड प्रोफेशनल को जाना है ट्रेनिंग के लिए यूके के अंदर, तो अब क्या होगा, उनको वीजा जो इशू होता है यूके की तरफ से, आप जानते हैं यूके और अमेरिका का वीजा लेना बहुत मुश्किल है, तो इस प्रकार से जो ये मुश्किलें होंगी वो बिल्कुल ही कम कर दी जाएंगी, और वीजा इन व्यक्तियों को जो मैंने अभी आपको सारी कैटेगरीज बताई हैं, इनको वीजा इशू में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इसका एक पहला सब्जेक्ट है। दूसरा है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। अब ये क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं इंडिया में जो R&D सेक्टर है, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो पिछले एक दशक से अभी धीरे धीरे जो है वो तरक्की करना शुरू हुआ है। तो ऐसे में कोई इंडिया का यंग साइंटिस्ट कोई एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करता है, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट इनोवेट करता है, आप जानते हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लेके आना है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड लेवल पे कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इस प्रकार की नॉलेज बहुत ही कम हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं या फिर यंग साइंटिस्ट होते हैं या फिर यंग इनोवेटर होते हैं, उनको कम होती है। इस एबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम, किसके बीच में, यूके और इंडिया के बीच। तो यूके इस सब्जेक्ट में मदद करेगा इंडिया के यंग इनोवेटर्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है जी LIC। LIC ने टाई अप किया है अपनी डिजिटल पेमेंट भुगतान को सुगम बनाने के लिए, किसके साथ, पेटीएम के साथ। LIC कहता है भाई 2020 और 2021 में उसका जो डिजिटल ट्रांसैक्शन है, यानी कि डिजिटल ट्रांसैक्शन के माध्यम से यदि आपको कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है, कोई पॉलिसी करवानी है, तो उसके लिए आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, और पिछले साल 2020 से 2021 के जो डाटा LIC ने देखा उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा डिजिटल ट्रांसैक्शन LIC में हुई है। तो इसीलिए LIC ने अपना पार्टनर चुना है डिजिटल पेमेंट माध्यम को सुगम बनाने के लिए। किसको चुना है, पेटीएम को चुना है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जी, ये है प्यूमा इंडिया साइन लॉन्ग टर्म डील्स विद वाशिंगटन सुंदर देवदत्त पडिकल। सबसे पहले आप समझिए भाई, आपने एक न्यूज और भी सुनी होगी प्यूमा को लेके, कि प्यूमा ने जो RCB है, RCB टीम है इंडियन IPL की, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है, उसके साथ भी जो है टाई अप किया था, उसको भी स्पॉन्सर जो है उसने RCB ने इसी सीजन की मैं बात करूँ, ये जो IPL आपका चल रहा था। अब वाशिंगटन सुंदर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुई थी भैया, हमारी टेस्ट सीरीज हुई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। दूसरा जो हमारे देवदत्त पडिकल हैं, और RCB में आपने देखा होगा इन्होंने क्या किया, धमाल मचा दिया, आपने इनका मैच देखा होगा, क्या इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो इन दोनों के परफॉर्मेंस के चलते अब प्यूमा ने क्या किया है, प्यूमा के पास क्या होता है, एक रोस्टर होता है क्रिकेटर्स का। रोस्टर तो आप सभी जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी के ड्यूटी का रोस्टर बना दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि फला फला ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है, इस दिन ये व्यक्ति जो है अपना वो क्या करेंगे,
सेवाएं देंगे। उसी तरह जैसे क्रिकेटर का रोस्टर यदि प्यूमा ने बना दिया, अभी इस रोस्टर में क्या होगा, अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी होंगे जो प्यूमा ने जिनके साथ क्या कर रखा है, टाई अप कर रखा है। यदि आप आने वाले भविष्य में प्यूमा की यदि एड भी देखते हो तो आप में उस एड में आप जो है इन खिलाड़ियों को ही देखोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये जो प्यूमा का इंडिया का रोस्टर है, इंडियन क्रिकेट टीम का, इसमें कौन कौन है, विराट कोहली है, ठीक है, केएल राहुल हैं, और सुषमा वर्मा, ये जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है उससे आती हैं, और दूसरा हमारे युवराज सिंह। इसके अलावा दो और व्यक्ति अब जो है हमारे क्रिकेट रोस्टर में जुड़ गए हैं, वो कौन है, वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पड़िक्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा जी इंडिया और जर्मनी के बीच में, इंडिया और जर्मनी के बीच में किस सब्जेक्ट के ऊपर जो है अपना एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो साइन हुआ है जी सिटीज कम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट। देखिए जी बहुत ही चिंता का विषय ये सब्जेक्ट है, क्या कि आज यदि हम वर्ल्ड में देखें बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, बहुत सारे ऐसे करोड़ों लोग हैं हमारे दुनिया में जो सी फूड खाते हैं। क्या खाते हैं, सी फूड खाते हैं। और आज हमारी दुनिया एक समस्या से और जूझ रही है, क्या कि जो प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है वो समुद्र में बढ़ती जा रही है। अब इस प्लास्टिक वेस्ट से क्या हो रहा है, समुद्र में बढ़ने की वजह से टॉक्सिसिटी जो है इंक्रीज हो रही है समुद्र के अंदर, साथ के साथ समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो भी इफेक्ट हो रहा है। अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लास्टिक के, अब ये कहाँ चले जाते हैं, फिश के पेट में। फिश के पेट से जब आप फिश पकड़ते हैं और उसको खाते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर। तो इससे इकोसिस्टम मरीन का तो इफेक्ट हो ही रहा है, साथ के साथ किसका इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन का भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो बस इसी को कम करने के लिए जो है जर्मनी और इंडिया के बीच में ये साइन हुआ है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज एनवीसेज अंडर द कॉन्टर्स ऑफ द ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट रिगार्डिंग कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मरीन लिटर साइन बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इन 2019। तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ मरीन लिटर, इस सब्जेक्ट के ऊपर इंडिया और जर्मनी के बीच में पहले से ही एग्रीमेंट साइन हो चुका था वर्ष 2019 में। अब सिटीज कम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट, इस सब्जेक्ट के ऊपर ये आपका साइन हुआ है वर्ष 2021 में, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका जैसे इसमें मैं आपको बता देता हूं इसका ऑब्जेक्टिव, देखिए ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी कुछ फेमस सिटीज हैं हमारे इंडिया के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश की हैं, उत्तर प्रदेश की कुछ सिटीज हैं, कुछ केरला की हैं और कुछ अंडमान निकोबार सी हैं, और जैसे कि तो इन सिटीज में से क्या है, इन सिटीज में से जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है वो हमारा कहाँ जाता है, समुद्र में। अब वो समुद्र में कैसे जाता है आप सोच रहे होंगे, भाई उत्तर प्रदेश से कोई चीज़ समुद्र में कैसे जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से बहुत सारी नदियाँ जाती हैं जो जाके कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, और वो जो हमारी नदियाँ जाती हैं वही हमारा कैरियर बनती हैं इन प्लास्टिक वेस्ट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फ्रांस साइन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन गगनयान मिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं गगनयान मिशन के लिए हम चार एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दिला रहे हैं, उनको ट्रेनिंग फिलहाल कौन दे रहा है, रशिया दे रहा है, आपको ये पता होना चाहिए यदि आपने गगनयान मिशन के बारे में पढ़ा है। आप ये भी जानते होंगे यदि कोई भी मिशन हमारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो साथ में हम किसको भेजते हैं, साथ में हम भेजते हैं डॉक्टर को, क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं भाई उनकी सेहत का भी तो ख्याल हमें रखना होता है, तो उनकी सेहत का ख्याल यदि हमें रखना है तो डॉक्टर, अब देखिए धरती पर डॉक्टर का काम करना और स्पेस में काम करना तो वर्किंग में कुछ तो फर्क होगा ना, मैकेनिज्म में कुछ फर्क होगा, इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसमें कुछ चेंजेस होंगे, टेक्निक्स यूज करेंगे उसमें कुछ चेंजिंग होगी, ठीक है। तो स्पेस पे अलग होता है और धरती पे अलग होता है, तो इसलिए जो स्पेस में जो डॉक्टर काम करेंगे, फिजिशियन सर्जन काम करेंगे, इनको ट्रेनिंग कौन देगा, जो हमारे चंद्रयान मिशन में जाएंगे इनको ट्रेनिंग देगा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के पास एक एस्टेब्लिश लेबोरेटरी है जहां पे दुनिया भर के डॉक्टर्स आते हैं जो कि किससे जुड़े होते हैं, स्पेस प्रोग्राम से जुड़े होते हैं, और वहां पे आके वो इस चीज की ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है जी किसके साथ, फ्रांस के साथ। यदि आपको एग्जैक्ट पॉइंट पढ़ने हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, यदि आपको लगता है कि आपका ये किसी एग्जाम में आ सकता है या फिर आपको इसकी मेंस की राइटिंग करनी पड़ सकती है
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे जुड़े हुए। इसका बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपका सारा जो है एजेंडा क्लियर हो जाएगा इन सभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। आगे बढ़ते हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है, इसी मिशन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है जी, हमारा टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ किया है जी, क्लियर ट्रिप और ईज माय ट्रिप के साथ। अब ये क्यों किया है, देखिए हमारे देश में जो 2020 से जो हमारा कोरोना पैंडेमिक चला है और अब तक आप जानते हैं जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, खासकर से जो होटल्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। अब सरकार क्या करना चाहती है, सरकार ऐसी गाइडलाइन होटलों के लिए सेट करना चाहती है, ठीक है, कि मान लीजिए आगे कभी ये अपना नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है, और होटलों को खोलने की इजाज़त दी जाती है, टूरिज्म को इजाज़त दी जाती है, तो ऐसे में सरकार कैसे परखेगी कि ये जो फला फला होटल है भाई इसमें इस प्रकार की सुविधा है, या फिर हमें फला फला ये होटल है इसकी इस प्रकार की ये कंडीशन है। तो उसकी कंडीशन के हिसाब से सरकार क्या करना चाहती है, COVID-19 पैंडेमिक की गाइडलाइन उस होटल को उसकी कंडीशन के हिसाब से देगी। अब सरकार को ये कंडीशन कहाँ से पता चलेगी, सरकार को ये कंडीशन कहाँ से पता चलेगी, ये पता चलेगी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है साथी, सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसमें आके क्या करते हैं, होटल के जो मालिक होते हैं वो अपने होटल के बारे में जानकारी देते हैं और उनको खुद वो सेल्फ सर्टिफाइड करते हैं अपने होटल को। तो जब सरकार के पास ये जानकारी होगी, किसके माध्यम से होगी, क्लियर ट्रिप के और ईज माई ट्रिप के माध्यम से, तब सरकार के पास आसानी होगी कि COVID-19 पैंडेमिक के जो गाइडलाइन है वो होटल अच्छे से फॉलो कर पाए, सरकार उनके लिए अच्छी पॉलिसी बनाएगी, सरकार उनके लिए अच्छे जो है दिशा निर्देश जारी कर सकेगी। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट है हमारा फेसबुक साइन फर्स्ट डील टू बाय रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। देखिए ये वर्ल्ड में क्या ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, अभी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे अमेजोन है, चाहे हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे फेसबुक है, ये लगी हुई है एक कंसेप्ट के ऊपर कि हमें जो हमारा कार्बन अमीशन है, ठीक है, ये नेट जीरो अमीशन, आपने कभी यदि पढ़ा हो सुना हो नेट जीरो अमीशन, तो ये सभी कंपनियों ने अपना लक्ष्य बना लिया कि इनके कंपनी के अंदर, इनके डाटा सेंटर के अंदर जो एनर्जी यूज होती है, ठीक है, उसमें ये मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया में यदि फेसबुक का कोई डाटा सेंटर है, वहां पे फिलहाल जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट से जनरेट हो रही है, वो आ रही है, तो आप जानते हैं थर्मल पावर प्लांट से तो पॉल्यूशन होता है। अब फेसबुक चाहता है उसके डाटा सेंटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आए वो किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आए, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे हमारा विंड एनर्जी हो सकती है, या फिर हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होते हैं वो हो सकती है। तो इसीलिए फेसबुक ने ये डील साइन की है, किसके साथ साइन की है, मुंबई बेस क्लीन मैक्स के साथ। अभी क्लीन मैक्स क्या करेगा, क्लीन मैक्स एक कर्नाटका के अंदर एक क्या है, एक आपका ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कर्नाटका के अंदर, ठीक है, क्लीन मैक्स उसको रन करेगा, वहां पे वो 32 मेगावाट की विंड पावर है, सॉरी मैं हाइडल बोल रहा हूँ, विंड पावर है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज, विंड पावर है, ठीक है, यहाँ से वो 32 मेगावाट की पावर को जनरेट करेगा और वो फिर किसको बेचेगा, क्लीन मैक्स, वहां से खरीदेगा कौन, फेसबुक। और जितनी भी ये मैं अभी आपको बता रहा था हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये सारा जो अपना टारगेट लगी हुई है नेट जीरो अमीशन टारगेट को अचीव करने में। नेक्स्ट है जी, नीति आयोग इंक पैक्ट विद डसॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन। देखिए जी ये सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंड नंबर का ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक पहले क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि पिछले दशक से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र है हमारे देश के अंदर, उसमें धीरे धीरे से क्या होना है, बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। आपने पहले सुना भी होगा कि हमारे कुछ ऐसे डिफेंस मिनिस्टर भी हुए हैं जो ये कहते थे कि भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा बर्बाद करने की क्यों जरूरत है, हमारे पास पैसा हम बाहर से ही खरीद लेते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का थोड़ा बुरा हाल पिछले कुछ दशकों में हमारे देश का रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। अब यदि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने देश में बढ़ाना है तो आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए साइंटिस्ट, बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट हमें चाहिए, बढ़िया बढ़िया इनोवेटर चाहिए, हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर चाहिए, हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाने के लिए तैयार हों। यदि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवानी है तो आपको रिसर्चर, साइंटिस्ट, अच्छे स्टूडेंट, ये सभी चाहिए, ये
ये कहाँ से आएंगे जी? अच्छे साइंटिस्ट आएंगे यूनिवर्सिटी से, अच्छे रिसर्चर आएंगे कहाँ से? साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से आएंगे, स्टूडेंट्स जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है। यदि उनके अंदर आपको रिसर्च एंड इनोवेशन की भावना को जगाना है तो इसके लिए सरकार ने कुछ तो काम किया होगा ना जी? किया है। नीति आयोग का एक प्रोग्राम है, नीति आयोग का एक प्रोग्राम है, वो कौन सा है? ये है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन के तहत क्या किया है सरकार ने? जो हमारे स्कूल्स हैं, ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको एक बता ही देता हूँ डाटा में, एग्जैक्ट डाटा से मैं आपको बता देता हूँ, रुकिए, देखिए, ये है जी अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब किसका हिस्सा है? जो नीति आयोग ने लॉन्च कर रखा है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के तहत क्या होता है, सरकार जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ये इनोवेशन और इनोवेशन को प्रमोट करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगी, कहाँ पे करेगी? स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, एमएसएमई में, इंडस्ट्री लेवल पे, कि आइए भैया आप रिसर्च कीजिए, ठीक है, नए नए इनोवेशन कीजिए, नए नए आइडियाज लेके आइए, नए नए इनोवेशन होंगे, नए नए आइडियाज आएंगे, तभी तो हमारे देश में स्टार्टअप क्या होगा, इंक्रीज होंगे। अब ये जो एक फीचर है, यदि हमें स्टूडेंट्स में लेके आना है तो वो स्टूडेंट के अंदर इस फीचर को जमाने इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार ने क्या किया है, अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब का लैब को शुरू कर रखा है। इसके तहत क्या होता है कि किसी भी स्कूल में, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल होंगे, वहां पे सरकार 20 लाख रुपए के माध्यम से, ठीक है, 1200 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट के अंदर एक लैब इस्टेब्लिश करेगी। उस लैब में सरकार क्या करेगी, इसको बोला गया है डेडिकेटेड इनोवेशन वर्क स्पेस। डेडिकेटेड इनोवेशन वर्क स्पेस एस्टेब्लिश करेगी। उसमें सरकार क्या करेगी, उसमें क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे वहां पे इस लैब के अंदर सरकार रखेगी 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, मिनिचराइज इलेक्ट्रॉनिक्स, इस प्रकार के कुछ गैजेट वगैरह सरकार रखेगी। और उसमें बच्चों को खुली छूट होगी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के, कि भाई आइए आप यहाँ पे क्या कीजिए, 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को सीखिए, रोबोटिक्स को सीखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सीखिए, मिनिचराइज इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखिए। टिंकरिंग क्या होता है, टिंकरिंग का मतलब होता है कि आप मान लीजिए किसी बच्चे को ना एक कोई इलेक्ट्रॉनिक खिलौना दे दीजिए। अब देखिए उस बच्चे को कुछ पता नहीं है, उसको मैनुअल नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, तो वो क्या करेगा, उसे छेड़छाड़ करेगा, देखेगा इधर बटन दबाएगा उधर बटन दबाएगा। तो टिंकरिंग क्या होता है, किसी चीज़ को बिना उसकी नॉलेज के क्या करना, ऑपरेट करना। हम उसी चीज़ से उसको छेड़छाड़ के, इधर से उधर से, ये बटन दबा के, वो बटन दबा के, ये कमांड करके क्या करते हैं, हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये एक अटल टिंकरिंग लैब आपका कंसेप्ट है, किसका है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन का है। अब सरकार इस मिशन को, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन को हमारे देश के अंदर बढ़ावा देना चाहती है, खासकर से स्कूल लेवल पे। अब स्कूल लेवल पे यदि आपको बढ़ावा देना है तो हमारा जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए अच्छा सिस्टम होना चाहिए, अच्छी किताबें होनी चाहिए सरकार के पास, ठीक है, अच्छा कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हमें सारी चीज़ें 3D में समझा रखी हों। सोचिए आप, यदि आपके पास एक ऐसी डिजिटल बुक हो जिसमें आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको 3D में एक्सप्लेन मिले, तो देखिए बच्चे कितना जल्दी से सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिसॉल्व सिस्टम फाउंडेशन डेडिकेटेड टू ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया विद 3D टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअल यूनिवर्सिटीज इज ऑल सेट टू कंट्रीब्यूट टू ATL प्रोग्राम इन 3 ब्रॉड एरिया, प्रोजेक्ट बेस्ड, सेल्फ प्लेस लर्निंग कंटेंट, हैकाथन एंड चैलेंजेस, एंड इंटर कंट्री एकेडमिया कोलेबोरेशन। इसका मतलब क्या हुआ है, भाई डिसॉल्व सिस्टम फाउंडेशन इसमें नीति आयोग की मदद करेगा, और डिसॉल्व फाउंडेशन ने यह भी कहा है कि उन्होंने स्कूल लेवल पर इस चीज को प्रमोट करने के लिए ऐसे ऐसी प्लेबुक डिजाइन की हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने ट्रेनिंग कम इंस्ट्रक्शनल प्लेबुक डिजाइन की हैं, जिसमें हर एक प्रकार के जो आपकी प्रोजेक्ट होंगे, कुछ भी होगा, ठीक है, उसमें अच्छे प्रकार की उन्होंने वीडियोज बना रखी हैं, 3D डिजाइन बना रखे हैं, बच्चे इनको पढ़ के क्या होगा, उनमें उनके दिमाग में इनोवेशन का कंसेप्ट क्रिएट होगा, समझे। तो नीति आयोग ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर मैं कहूँ पैक्ट या फिर एग्रीमेंट, किसके साथ साइन किया है, डिसॉल्व सिस्टम फाउंडेशन के साथ, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाउंडेशन टू प्रोवाइड अ डिजिटली रिच इकोसिस्टम एंड प्रमोट स्टेम बेस्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो अटल इनोवेशन मिशन क्या है, और ये भी मैंने आपको बता दिया अटल टिंकरिंग लैब क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट। अब जब से मोदी सरकार है, हम क्या सुन रहे हैं कि हम क्या कर देंगे, जो फार्मर्स की इनकम है 2022 तक उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब फार्मर की इनकम कैसे डबल हो सकती है, थोड़ा सा सिंपल सी वे में आप सोचिए कि फार्मर की इनकम डबल कैसे हो सकती है। फार्मर की इनकम सबसे पहले डबल हो सकती है कि सबसे पहले जो उसकी इनपुट कॉस्ट है, क्या है, इनपुट कॉस्ट है भाई, उसको कम करें। कैसे तरीके से कम करें, कोई टेक्नोलॉजी लेके आइए, ठीक है, कोई भी आप मेथड लेके आइए, कोई भी आप ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी लेके आइए, ठीक है। यदि इनपुट कॉस्ट कम होगी तो किसान को फायदा ज्यादा होगा। दूसरा, और कैसे हो सकता है भाई, यदि किसान का प्रोडक्ट मंडी की, सिर्फ मंडी में, फिलहाल तो मंडी में बिकता है, यदि इसके अलावा किसान का प्रोडक्ट वर्ल्ड लेवल पे या फिर ई प्लेटफॉर्म पे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, ई मार्केट प्लेस पे बिके, तो वहां से भी किसान जो है अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। तो इसी प्रकार के जो है कंसेप्ट को लाने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विल डेवलप अ फार्मर इंटरफेस फॉर स्मार्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा माइक्रोसॉफ्ट, इसमें 100 गांव में काम करेगा और ये 100 गांव 6 राज्यों से चुने गए हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। यदि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो 6 के 6 राज्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए इन 6 राज्यों को चुना गया है। और आप जानते हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इंडिया नाउ हैज एन एयर बबल अरेंजमेंट विद श्रीलंका। भाई ये एयर बबल अरेंजमेंट क्या है, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए। यदि आप कोरोना पेंडेमिक में अखबार में आप पढ़ते होंगे कि इंटरनेशनल फ्लाइट तो बैन है, आम आदमी यदि आपको अभी इंडिया में, इंडिया से अमेरिका जाना है, यदि इंटरनेशनल फ्लाइट आपकी बैन है तो कैसे जा सकते हो, आप नहीं जा सकते। लेकिन अब मेरे को एक बात बताइए, यदि आप एक साइंटिस्ट हैं, यदि आप एक डॉक्टर हैं, या फिर आप एक ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जहां पे यूएसए में आपको जाना ही जाना है, या फिर आप क्या हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, आईएफएस अधिकारी हैं, या फिर आप कोई गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, आपको यूएसए में काम से जाना है, ठीक है। इस प्रकार के और भी ऐसे फील्ड हैं जिनका काम नहीं चलता कि दूसरी कंट्री में जाए बिना, ठीक है, तो अब वो कैसे आ जा रहे होंगे भाई, आप सोच के देखिए कैसे आ जा रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए बनाया गया है एयर बबल अरेंजमेंट। एयर बबल अरेंजमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक पड़ोसी देश उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल हम भूटान को उठा लेते हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम जो है भूटान में करने होते हैं जाके, तो हम क्या करते हैं, भूटान के पास जाएंगे, हम एक एग्रीमेंट कर लेंगे, भाई एक ऐसा काम करते हैं, हम एक आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक फ्लाइट चला लेते हैं, उसमें हम पूरा जो है कोविड-19 पेंडेमिक के जितने भी दिशा निर्देश हैं उसका पालन करेंगे, साथ में मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ, ये कुछ लिस्ट है जो इस फ्लाइट में बंदे आए जाएंगे मेरे देश में या आपके देश में, वो सिर्फ इस फला फला फील्ड से जो है होंगे, ठीक है, इसके अलावा नहीं होंगे। तो यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट तो बंद है, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के दौर में कोविड-19 के सारे दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम एक अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने दोनों देशों के बीच में फ्लाइट चला लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इंडिया ने क्या कर रखा है, इंडिया ने टोटल पहले 27 देशों के साथ ये एयर बबल अरेंजमेंट कर रखी थी, ठीक है, लेकिन अब श्रीलंका को भी परमिशन दे दी है, तो अब कितने हो गए हैं टोटल, 28। और ये जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे जाके आप इन 28 कंट्रीज का नाम भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है जी ट्रांसपोर्ट बबल, और इसको ट्रांसपोर्ट बबल भी बोलते हैं, एयर ट्रेवल मैनेजमेंट भी, अरेंजमेंट भी इसको बोला जाता है, और टेम्परेरी अरेंजमेंट, देखिए मैं कह रहा हूँ टेम्परेरी अरेंजमेंट है, बिटवीन टू कंट्रीज एम्ड एट रीस्टार्टिंग कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज व्हेन रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर सस्पेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। भाई अमेरिका से यदि कोई पार्सल, इंपॉर्टेंट पार्सल इंडिया में आने हैं, तो यदि इंटरनेशनल फ्लाइट बैन कर रखी है, कोई इंपॉर्टेंट पार्सल है, तो क्या वो जितने 6 महीने 3 महीने यदि फ्लाइट बंद रहेगी वो यूएसए में पड़ रहेंगे, नहीं। तो इसीलिए क्या है, ये एयर ट्रेवल अरेंजमेंट है, या फिर ये ट्रांसपोर्ट बबल है, या फिर एयर बबल अरेंजमेंट है, इसी चीज के लिए, समझ गए मेरी बात। आगे बढ़ते हैं, और हाँ अभी फिलहाल जब श्रीलंका को परमिशन दी गई है, तो सार्क कंट्री की बात करें हम, तो सार्क कंट्री में श्रीलंका जो है 6ठा देश बन गया है। इससे पहले भारत ने सार्क कंट्री के 5 देशों के साथ
एयर बबल अरेंजमेंट साइन कर रखा था। आगे बढ़ते हैं जी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ का साइन किया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, अब सीबीएसई क्या करना चाहता है, सीबीएसई बोर्ड से जितने भी टीचर जुड़े हुए हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए सीबीएसई ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इससे क्या होगा, जो टीचर्स होंगे उनके स्किल्स बढ़ाए जाएंगे, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ के साथ जो है सीबीएसई से जुड़े कुछ बच्चे जो होंगे उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ के साथ उनकी गाइडेंस, फ्यूचर गाइडेंस जो होती है, कैरियर काउंसलिंग जो होती है, ठीक है, वो भी उनकी की जाएगी। इसमें कहा गया है कि एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सीबीएसई एंड AICTE विल लॉन्च प्रोग्राम्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ सीबीएसई स्कूल टीचर ऑन AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकेडमी। तो ये AICTE की जो है ट्रेनिंग और लर्निंग अकेडमी है, यहाँ पे सारे टीचर जो है आपके ट्रेनिंग लेंगे। और इसमें यह भी कहा गया है द कोलेबरेशन ऑफ सीबीएसई एंड AICTE विल गो अ लॉन्ग वे इन स्टूडेंट फैसिलिटेशन हु विल नाउ बी अवेयर अबाउट द इमर्जिंग एरियाज इन टेक्नोलॉजी एंड गेट टाइमली एंड अप्रोप्रिएट गाइडेंस। मतलब क्या कहने का क्या है कि आज के दौर की बात करें, टेक्नोलॉजी का दौर है, अलग अलग तरीके की अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में यदि आप IIT का करिकुलम देखें तो वहाँ पे 4-5 नए स्ट्रीम भी जुड़ चुकी हैं, जिसमें जैसे कि आपके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो इस प्रकार के कुछ 4-5 नई स्ट्रीम भी जुड़ चुकी हैं। तो ये जो AICTE होगा, ये CBSE के स्कूल के जो बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, उनको बताएगा कि भाई ये फला फला जो है ट्रेंडिंग में आपकी क्या चल रही हैं, स्ट्रीम चल रही हैं, तो यदि आप इनमें अपना इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करते हो तो आपका स्कोप आगे आने वाले फ्यूचर में क्या है, अच्छा है। यानी कि एक स्कूल लेवल पर आपको गाइडेंस मिल जाएगी AICTE की तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने सुना होगा, काफ़ी बार ये चली न्यूज़, ठीक है, कि बायजू ने किसको एक्वायर कर लिया है, आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। कहा है कि उन्होंने इसके लिए बायजूज ने 7300 करोड़ रुपए पे किए हैं, लेकिन हालांकि बायजूज ने इसका खुलासा नहीं किया है डील का अमाउंट का, कि हमने कितने रुपए पे किए हैं। ये तो जस्ट एक न्यूज़पेपर जो होते हैं, आर्टिकल लिखने वाले होते हैं, उन्होंने अपना एक सोर्स से अंदाजा इसका लगाया है। ठीक है, और ये बायजूज का आज तक का सबसे बड़ा क्या है, एक एक्वायर, यानी कि उसने सबसे बड़ा आप कह लीजिए किसी इंस्टीट्यूट को खरीदा है इतने ज़्यादा पैसे में, तो वो सिर्फ आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही है। ओके, और वहीं हम बायजूज की बात करें, 2015 में लॉन्च हुआ, अभी फिलहाल बात करें 80 मिलियन से ज़्यादा उसके स्टूडेंट हैं, और एनुअल की बात करें, एनुअली 5.5 मिलियन एनुअल पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं, और 5.5 मिलियन में जो लोग रिन्यू करते हैं वो 86% लोग जो है बायजूज का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें अप्रैल से लेके सितंबर 2020 तक बायजू ने अपने प्लेटफॉर्म पर 45 मिलियन बच्चों को जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश इंडिया इंक 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बूस्ट कोऑपरेशन। ये मैं पक्का लिख के दे सकता हूं, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि शायद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आए, लेकिन एक इवेंट जो बांग्लादेश में हुआ था, आप जानते हैं प्रधान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि बांग्लादेश अपनी जो है गोल्डन जुबली मना रहा है स्वतंत्रता की, 1971 में स्वतंत्र हुआ था, भारत नहीं करवाया था उसको। ठीक है, और जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, जिनको बंगा बंधु भी बोलते हैं, बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनकी बर्थ सेंटेनरी भी थी, तो इन दो फंक्शन को अटेंड भी किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और साथ के साथ जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रेड, IT, स्पोर्ट्स अमंग अदर फील्ड। तो इसमें ये जो 5 फील्ड हैं, इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इन दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। नेक्स्ट है जी, जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड UN टाई अप फॉर जल जीवन मिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूँ।
जल शक्ति मिनिस्ट्री। आप जानते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री का क्या एक प्रोग्राम इन्होंने चला रखा है, ठीक है, और उस प्रोग्राम का उद्देश्य है जल शक्ति, जल जीवन मिशन, आई थिंक कुछ ऐसा करके है इनका प्रोग्राम, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन ही है, जल जीवन मिशन। ये हुआ था 15 अगस्त 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है जल जीवन मिशन का, कि 2024 तक जितने भी हमारे रूरल हाउस होल्ड हैं, ग्रामीण इलाकों में, रूरल इलाकों में जितने भी घर हैं, सभी को नल टैप कनेक्शन प्रोवाइड करवाना। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो अब क्या है कि उत्तर प्रदेश के कुछ 11 ऐसे इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, बुंदेलखंड के और विंध्य रीजन के, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, उनमें पानी की बहुत कमी है। तो वहीं पर टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री ने जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज के साथ एग्रीमेंट किया है। बस ये समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड जापान एग्री फॉर कॉपरेशन इन पेटेंट वेरिफिकेशन। तो इंडिया और जापान के बीच में जी साइन हुआ है ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका सब्जेक्ट क्या है, इन पेटेंट वेरिफिकेशन, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं जी। ग्लेंड फार्मा इंस्पेक्ट टू सप्लाई 250 मिलियन डोजेस ऑफ स्पुतनिक 5। आप जानते हैं स्पुतनिक 5 कहां की वैक्सीन है जी, सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं रशिया की। आप जानते हैं भारत में डिमांड कितनी, बहुत डिमांड भारत में क्या है, वैक्सीन की हाई है और प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से वैक्सीन की कमी थोड़ी सी हमारे भारत में फिलहाल हो रही है, और ये कुछ एक हफ्ता या 10 दिन चलेगी। बाद में जो है कह रहे हैं कि जून जुलाई में जाके, जून के मिड के बाद और जुलाई तक जो है हालात जो है हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, वैक्सीन अच्छी हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग जाएगी। तो स्पुतनिक 5 ने क्या करेगी, ये ग्लैंड फार्मा, ये हैदराबाद की कंपनी है ग्लैंड फार्मा। तो स्पुतनिक 5 यानी कि रशिया की जो ये वैक्सीन है, ये क्या करेगी भाई, ये ग्लैंड फार्मा को इक्विपमेंट देगी, टेक्नोलॉजी देगी, और ये सारा कुछ एस्टेब्लिश करके देगी ग्लैंड फार्मा को, ठीक है। अब ग्लैंड फार्मा फिर क्या करेगा, जो रशिया के द्वारा ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, इससे फिर स्पुतनिक 5 का क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा, ठीक है। और कितनी मिलियन डोज, अभी मैं आपको बता रहा था 252 मिलियन डोजेस बनाई जाएंगी। और यहीं पे मैं आपको बता दूं ये एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ है, ड्रग फार्मा कंपनी ग्लैंड फार्मा और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के बीच में साइन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था नवंबर 2020 में, अब इसको मंजूरी दे दी गई है फरवरी में, ठीक है। अब सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अक्सर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के, सब्जेक्ट क्या है जी इसका, इसका सब्जेक्ट है जी स्पोर्ट्स का, ठीक है। तो ये साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, इन दोनों के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। सब्जेक्ट क्या है जी इसका, इसका सब्जेक्ट है जी कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, कि मालदीव्स के जो भी प्लेयर होंगे, कोच होंगे, उनको अच्छी टेक्नोलॉजी दी जाएगी, उनको अच्छे ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, उनको अच्छी जो है न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जब इस प्रकार से हमारा स्पोर्ट्स में क्या बढ़ेगा, इस प्रकार से स्पोर्ट्स में यदि कॉपरेशन बढ़ेगा तो जो कंट्रीज के जो दो बायलैटरल रिलेशन होते हैं वो भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वाला, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल लीजिए। रशिया चाइना साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बिल्ड स्पेस स्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि रशिया ने अनाउंस किया है कि वो चांद के ऊपर क्या बनाएगा, नेशनल स्पेस, सॉरी चांद के ऊपर क्या बनाएगा, वो साइंटिफिक रिसर्च एक लैब एस्टेब्लिश करेगा, इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनार स्टेशन बनाएगा, ठीक है, और ये स्टेशन चांद की सतह पे भी होगा और चांद के एटमॉस्फेयर ऑर्बिट में भी होगा, चांद के दोनों जगह पे होगा। इन दो, इसको बनाएगा कौन, इसको बनाएगा रशिया और चाइना दोनों आपस में मिलकर, ठीक है।
और इसके साथ साथ यूएस की हम बात करें, ये भी आप नोट कर लीजिए भाई, यूएस ने अनाउंस किया है, यूएस की नासा ने अनाउंस किया है कि 2024 तक वो भी अपना चांद पे एक मैन्ड मिशन लेके जाएंगे, जिसमें वो एक व्यक्ति और एक औरत दोनों को जो है चंद्रमा की सतह पे उतारेंगे। 1972 से लेके आज तक जो है भाई यूएसए ने अपना कोई मैन्ड मिशन चांद पे नहीं भेजा, यानी कि किसी व्यक्ति को चांद पे नहीं भेजा है 1972 के बाद। और इस मिशन का नाम यूएसए ने क्या रखा है? आर्टेमिस। इस मिशन का नाम यूएसए ने क्या रखा है? आर्टेमिस। तो जी ये थे हमारे इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये था उसका जी सेट वन। कैसा लगा आपको वीडियो बताइए मेरे को, लाइक करके कमेंट कीजिए। सेकंड पार्ट लेके आऊँगा यदि आपका जो है रिस्पॉन्स इस फर्स्ट पार्ट पे अच्छा होता है तब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।